महज 1.5 लाख रुपए के 6 लोग मिलकर एक युवक को बहला फुसलाकर अपने साथ लेकर उसका अपहरण किया और फिर उसकी बेदर्दी से हत्या कर दी। हत्या के बाद उसके शव को 10 से ज्यादा टुकड़ों में कुल्हाड़ी से काटकर अलग अलग स्थानों पर बोरे में भरकर फेंक दिया। वहीं मामले को लेकर पुलिस ने सभी आरोपियों को गिरफ्तार कर न्यायिक रिमांड पर भेज दिया है। दरअसल ये पूरा मामला दुर्ग सुपेला का है, जहां 7 अक्टूबर को परिजनों ने सुपेला थाने में नीलेश डहारे नामक युवक की गुमशुदगी की रिपोर्ट दर्ज कर पाई थी, जिसके बाद मोबाइल लोकेशन के आधार पर पुलिस ने कार्रवाई की। पुलिस ने नीलेश की कॉल डिटेल निकलवाने पर लोकेशन सिमगा में मिली, जिसके बाद इन्वेस्टिगेशन के आधार पर 6 संदिग्धों को हिरासत में लेकर पूछताछ की, तो आरोपियों ने अपना जुर्म अपना अपराध कबूल कर लिया। आरोपियों ने बताया कि उन्होंने नीलेश डहारे का अपहरण कर उसकी कुल्हाड़ी से मारकर हत्या कर शव के टुकड़े को अलग अलग बोरी में बांधकर अलग अलग दिशाओं में फेंक दिए। वहीं पुलिस ने मृतक के शव का धड़ वाला भाग महासमुंद से करीब 150 किलोमीटर दूर नेशनल हाईवे से बरामद किया है। वहीं अन्य हिस्सों की तलाश भी की जा रही है। उनसे गांव वाले पूछताछ से मालूम चला कि रात में डंडों से मारपीट करते हुए एक युवक के साथ इनको देखा गया था, और इनसे टेक्निकल एनालिसिस मोबाइल रिकॉर्ड्स के एनालिसिस पे मालूम चला कि इन्होंने जाके एक घर में जाके उसकी बॉडी को मारने के बाद 10 टुकड़ों में काट दिया और उसको शिवनाथ नदी में अलग अलग जगह पर 3 जगह पर फेंका और महासमुंद नेशनल हाईवे जो पिथौरा के पास भी एक पार्ट फेंका।